कश्मीर घाटी में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अपने कर्तव्यों के साथ भाईचारे और एकता के संदेश को दर्शाते हुए होली का पर्व मनाया। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में आयोजित इस उत्सव में विभिन्न हिस्सों के कर्मियों की भागीदारी भी देखी गई। देश की ओर से सैनिकों के बीच सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक संबंधों पर जोर दिया गया। होली मनाई जा रही है और इस हवाले से फौज भी अपने अपने परिवारों से दूर रहकर अपने जवानों के साथ, जो इनके साथ जवान है, उनके साथ ये होली मनाई जा रही है। रंगों का त्यौहार है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ बढ़ चढ़कर जो होली का त्यौहार मना रही है। कुछ जवान हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा पहले। मोहिंदर सिंह। मोहिंदर सिंह, कहाँ से आप हैं? हिमाचल से। तो घर से दूर यहाँ पे त्यौहार मनाया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे परिवार को और यहाँ पे जवानों के साथ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी जगह ड्यूटी करते हैं, अभी होली की जगह होली मना रहे हैं। और घर से दूर है तो कोई बात नहीं, पहले हम ड्यूटी है हमारी, सबसे पहले हमारा जो अहम है पहले देश की रक्षा करना, घर की बात बात भी है। बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय हो रहा है। अपना नाम कहना चाहूंगा सर? मेरा नाम बाल शास्त्री का। वो क्या कहना चाहेंगे, घर से दूर रहकर ये होली मनाई जा रही है कुछ? हम हमेशा घर से दूर रहकर ही होली मनाते हैं और होली सी के माध्यम से मनाते हैं, अपने बच्चों को संदेश देते हैं कि हम अपनी जगह अपनी ड्यूटी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम अपने त्यौहार को भी बड़ी अच्छी तरह से मनाते हैं। वो क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, परिवार को इस संदेश जाना चाहेंगे कि हमारी तरह आप भी घर में अच्छी होली मनाओ और अच्छा काम करो। आपका नाम जानना चाहूंगा सर? इधर बोला, आप भी बिल्कुल रंगों में भीगे हैं, बिल्कुल बहुत नाच गाना हो रहा है। सबसे पहले मैं आपकी पावन पवित्र इसमें त्योहार में दिन पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार, और आपके आने से हमारे जवानों का बड़ा बहुत हौसला अफजाई हुआ है, देश को संदेश जा रहा है। एक हमारे जवान जो बहुत कठिन क्षेत्र में रहते हुए अपनी ड्यूटी का बड़े ईमानदारी से, बड़े सादगी से पालन करते हैं, और आपके आने से बहुत ही ज्यादा इसमें हमारा इम्प्रूव हुआ है, और ये मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले भविष्य में इसी तरह हमारे जवानों का हौसला अफजाई किया जाए। जय हिंद, जय भारत।